एक गर्भवती स्त्री ने अपने पति से कहा, आप क्या आशा करते हैं, लड़का होगा या लड़की? पति ने कहा, अगर हमारा लड़का हुआ तो मैं उसे गणित पढ़ाऊंगा, हम खेलने जाएंगे, मैं उसे मछलियां पकड़ना सिखाऊंगा। पत्नी, और अगर लड़की हुई तो? पति, अगर हमारी लड़की होगी तो मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उन सभी में से एक होगी जो सब कुछ मुझे दोबारा सिखाएगी, कैसे पहनना, कैसे खाना, क्या कहना, क्या नहीं कहना। एक तरह से वो मेरी दूसरी माँ होगी, वो मुझे अपना हीरो समझेगी, चाहे मैं उसके लिए कुछ खास करूँ या ना करूँ। जब भी मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना करूँगा तो वह मुझे समझेगी, वो हमेशा अपने पति की मुझसे तुलना करेगी। यह मायने नहीं रखता कि वह कितने भी साल की हो, पर वो हमेशा चाहेगी कि मैं उसे अपनी बेबी डॉल की तरह ही प्यार करूँ। वो मेरे लिए संसार से लड़ेगी, जब कोई मुझे दुख देगा तो वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। पत्नी, कहने का मतलब है कि आपकी बेटी सब करेगी, वो आपका बेटा नहीं कर पाएगा? पति, नहीं नहीं, क्या पता मेरा बेटा ऐसा ही करे, पर वो सीखेगा। परंतु बेटी गुणों के साथ पैदा होती है, किसी बेटे का पिता होना हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। पति, पर वो हमेशा हमारे साथ तो नहीं रहेगी ना? पति, हाँ, पर हमेशा हम उसके दिल में रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे वो कहीं हो जाए। बेटियाँ परी होती हैं जो सदा बिना शब्द के प्यार और देखभाल के लिए जन्म लेती हैं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है जो घर भगवान को पसंद, बेटियां वहीं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।